न्यायों की पुस्तक अध्याय 17 न्यायों की पुस्तक अध्याय 17 एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका नाम एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते ही शाप दिया था, वे मेरे पास है, मैंने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष होए। जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूं, ताकि उससे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई जाए। सो अब मैं उसे तुझको फेर देती हूं। जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, तब माता ने 200 टुकड़े ढलवैयों को दिए और उसने उनमें से एक मूर्ति खोदकर और दूसरी ढलवाकर बनाई और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देवस्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक गृह देवता बनवाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा दिया। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। यहूदा के कुल का एक जवान लेवीय यहूदा के बैथलहम में परदेशी होकर रहता था। वह यहूदा के बैथलहम नगर से इसलिए निकला कि जहां कहीं स्थान मिले वहां जा रहे। चलते चलते वह एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। मीका ने उससे पूछा, तू कहां से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बैथलहम से आया हुआ एक लेवीय हूं और इसलिए चला जाता हूं कि जहां कहीं ठिकाना मुझे मिले वहीं रहूं। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन और मैं तुझे प्रतिवर्ष 10 टुकड़े रुपए और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूंगा। तब वह लेवीय भीतर गया और वह लेवीय उस पुरुष के संग रहने को प्रसन्न हुआ और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवीय का संस्कार किया और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूं कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवीय को अपना पुरोहित कर रखा है।